नमस्कार दोस्तों, तो ये देखिए, ये है यामानाशी प्रिफेक्चर का कार स्टॉप। आज हम निकले हैं साइतामा प्रिफेक्चर से, आगे जाएंगे मात्सुमोतो से आगे जाएंगे हम कामिकोची से आगे जाएंगे हम, एक है ताकायामा और वहाँ से शिराकावा गो। तो आप देख सकते हो ये है एक स्टॉप। तो हम निकल चुके हैं, हमने एक गाड़ी रेंट पे ली है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, तो लेट्स गो एक्सप्लोर, हमारे साथ बने रहिए। अगर हम अपने चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आज देखते हैं मात्सुमोतो सिटी कैसी है, और जाते जाते बीच में एक लेक है और एक अल्पलाइन रोड जैसे एक बढ़िया सा रोड है, और छोटे छोटे भी बहुत सारे स्पॉट्स है, ओपन एयर म्यूजियम वगैरह। सो चलो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं जापान की ब्यूटीफुल नेचर, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे ये देखिए, ये है एक वैली, और हम आ चुके हैं अभी माउंटेन के टॉप पे, और यहाँ पे देखिए बादल कैसे आ रहे हैं, पंछी भी घूम रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है, पूरे बादल हमें छू रहे हैं। और ये देखिए हम है पहाड़ियों के ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आगे आप जो देख रहे हैं वहाँ पे काउज है, और उनको खाना खिलाने के लिए अभी छोड़ दिया है, और यहाँ पे एक रिसोर्ट टाइप जैसे है, तो आप भी वहाँ पे घूम सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये प्लेस का नाम है विनस लाइन। तो अभी हम सागामिहारा से मात्सुमोतो जा रहे हैं, तो विनस लाइन आती है बीच में, तो बहुत ही अच्छा है। और एक यहाँ पे छोटा सा होटल जैसा है, आपको आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे मिलेगा, कॉफ़ी वगैरह। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, वाओ। लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ये देखिए, ये है मात्सुमोतो सिटी। अभी हम पहुंच चुके हैं मात्सुमोतो कैसल। तो अभी के बज रहे हैं 5, और आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट कैसे बन चुका है। ओ ये क्या है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े फूल है, शायद कमल के फूल लग रहे हैं। चलो देखते हैं, अभी बारिश हो चुकी है यहाँ पे, तो पानी है थोड़ा। ओ माय गॉड, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं देखो। कमल के फूल है, जो देखा है ग्रीन वाला बिकता है हमारे यहाँ, बढ़िया तालाब है ना, चलती गंदगी में ही चलता है। ये देखो पेड़ों को छूते हुए चल रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ। ये देखो बढ़िया, ये वाला कितना अच्छा, देखो फूल गया ये। कितने बड़े बड़े है, हाय दामे देशो नाए। जो मैं बोल रहा था कि मात्सुमोतो का फेमस कैसल है, ये है मात्सुमोतो का फेमस कैसल। अभी हम दूसरे साइड में हैं, तो यहाँ से वॉक करते करते अपोजिट साइड में चले जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी प्लेस है ये, और आप एकिंग नहीं करोगे, पानी में मछलियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी है, और कितने पासे देखो, वाओ।
ये देखो उधर भी एक है, उनको लग रहा है हम खाने के लिए दे रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी, और देखो वहाँ पे एक आ रही है, बहुत ही बड़ी मछली है देखो। वाओ कितने पास है देखो, मस्त घूम रहे हैं वो भी शांत। ये शायद दोनों दोस्त है। ओह ये देखो कितनी बढ़िया आ गई तीसरी वाली। ऐसे लग रहा है पानी से छलांग लगा के बाहर आ जाएगी। ये देखो बहुत सारी आ गई, हमें देख के बहुत सारी आ गई यहाँ पे। उनको लग रहा है हम खाना खाने देंगे, लेकिन यहाँ पे वर्जित है, बैन है, वो पानी में कुछ खाने के लिए नहीं देते। ये देखिए वो कुत्ता उसको बुला रहा है, बढ़िया मस्त। ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारी है। अभी हम बायवॉक दूसरे साइड आए हैं, तो ये देखिए जापनीज लोगों का ट्रेडिशनल किमोनो, और लोग यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये है कैसल, देखिए कितना मस्त कैसल है, ब्यूटीफुल। वाओ तो ये चारों साइड में ऐसे पानी है, और आप देख सकते हैं यहाँ से गेट है, और आगे जो आप लाइटिंग देख रहे हो वो यहाँ पे अभी समर में ओबन फेस्टिवल बोल के रहता है। तो ये मेरा दोस्त अभिषेक हर टाइम जो भी आया है तब अलग अलग दोस्तों के साथ आया है, तो अभी वो हमें भी लेके आया है, और ये इस जगह की खूबसूरती हमें दिखा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो नागोया में काम करता था, तो वहाँ से एक बार, और बाकी टाइम टोक्यो से आया है। तो ये देखिए मस्त। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है मत्स्यमतो कैसल के सामने, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो मेरा दोस्त है अभिषेक, वो बहुत ही बार यहाँ पे आ चुका है, तो चलो उससे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको फिर फिफ्थ टाइम यहाँ पे आने के बाद। जरूर भी लग रहा है कि मत्स्यमतो कैसल में बहुत कुछ है देखने के लिए। ये कैसल जापान का एक वन ऑफ द बेस्ट कैसल है, और कैसल ने बहुत सारे वॉर जीते हैं, इसलिए एक वॉरियर कैसल के नाम से जाना जाता है। बढ़िया। तो आई थिंक एवरीवन शुड विजिट दिस कैसल, बिकॉज नागानो इज वेरी गुड फॉर हाइकिंग, कैंपिंग एंड एडवेंचर ट्रिप। एंड प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर गणेश ब्लॉग्स। थैंक यू। तो नेक्स्ट जरूर हम एक बार फिर आएंगे, ऐसी ट्रिप बनाते रहेंगे। और मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये प्लेस, बहुत ही अच्छा है। तो ये था ये प्लेस गार्डन, तो ये यहाँ पे देखिए ये, यस ये देखिए यूट्यूब वालों ने भी यहाँ पे रेटिंग दे दी है, 24/365 लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम जापान मोस्ट ब्यूटीफुल कैसल। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन यहाँ पे ड्रोन बैन है, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ड्रोन अलाउड नहीं यहाँ पे। और ये बड़ा सा गार्डन है, आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। वाह क्या नज़ारा है, बढ़िया। जब भी आप नागानो साइड ट्रिप प्लान करोगे मत्स्यमतो ज़रूर आना, और ये कैसल देख के जाना, बहुत ही अच्छा है। ये है श्राइन का बाहर साइड का व्यू। यहाँ पे एक शॉपिंग स्ट्रीट है, लेकिन अभी टाइम ना होने के कारण वो
हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली अभी वो सब क्लोज हो चुका है। और ये देखिए सिटी कितनी अच्छी है, क्लीन और बहुत ही अच्छा है। तो ये है मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं अच्छे से। ये जो मात्सुमोतो सिटी है बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन की है। वाओ, समर लग ही नहीं रहा यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है। लेकिन ये तो प्योर समर है, फिर भी आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है और बहुत ही अच्छा मौसम है। वाओ, यहाँ पे बहुत बड़ा गेट है, टोरी गेट, नाइस। देखिए यहाँ से एंट्री गेट होता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये था मात्सुमोतो कैसल एंड श्राइन। तो बने रहे हमारे साथ।